जय हिंद दोस्तों। ये क्लास जो है थोड़ी हमारी लॉन्ग होने वाली है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करंट अफेयर के या फिर जो स्टैटिक जीके है उसके, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं। इस क्लास का क्या है, जो हमारे एचएसएससी में जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे एग्जाम है वो कब होने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा ग्राम सचिव है कनाल पटवारी है और जो पटवारी है उनके भी फॉर्म जो है रीओपन हुए हैं। तो इनके एग्जाम जो है एक ही एग्जाम होगा और वो एग्जाम होगा हमारा मई में, और फिर उसके बाद जो है हमारा जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है वो होना है। तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए। देखिए, जो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं ना, वही लास्ट में सिलेक्शन लेके जाते हैं। लेकिन लास्ट में जब हमारे एग्जाम आ जाते हैं तब हम ये सोचते हैं कि अब कुछ टाइम में हम पढ़कर जो है सिलेक्शन ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो टाइम जो है हमारा रिविजन का होता है। इसलिए आप तैयारी को जो अपनी हमेशा कंटिन्यू रखिए। तो सबसे पहले विदाउट टाइम वेस्ट की हम बात कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके और करंट जीके, इन दोनों को हमने इसमें शामिल किया है। और जो एग्जाम हमारे होने वाले हैं उनको काफी हमने खासकर ध्यान रखा है कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? तो इसमें हमारा आंसर है संदेश ऐप। जो व्हाट्सएप है उसका स्वदेशी विकल्प संदेश ऐप है, जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने लॉन्च किया है। कौन सा संगठन संदेश ऐप के बैक एंड को संभालता है? तो ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है NIC, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक शाखा है और ये संदेश ऐप के बैक एंड को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संदेश ऐप है उसके बारे में सही कथन का चुनाव करें। तो जो दो प्लेटफॉर्म के बीच चैट इतिहास को स्थानांतरित करने का कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर है ओनली वन। जो संदेश ऐप है उसमें एक ऐसी कमी है कि दो प्लेटफॉर्म के बीच जो चैट का इतिहास है उसको स्थानांतरित करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और पंजीकरण करने के लिए जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होती है उसकी खासकर जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 CPI 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो वो जो है 86वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 CPI 2020 जारी किया है, जिसमें भारत जो है 86वें स्थान पर है। तो इसमें हमारा आंसर होगा सी, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है ये, और सूचकांक में पहले स्थान पर जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI जारी करता है, और इस वर्ष सूचकांक में जो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है वो पहले स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठन है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो जर्मनी के बर्लिन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा समुद्री कछुआ कौन सा है? तो वो ओलिव रिडले कछुआ है। जो ओलिव रिडले कछुआ है वो भारत में पाए जाने वाले कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें। यानी कि टर्टल के विपरीत टार्टाइज में गोल और गुमनदार सेल होता है। टर्टल के सेल टार्टाइज के मुकाबले अधिक सुव्यवस्थित होते हैं। तो इसमें हमारे दोनों ही क्या है, राइट आंसर है। जो टार्टाइज है उसमें एक गोल और गुबनदार सेल होता है, जो टर्टल में पतला और अधिक पानी वाला होता है, और जो टर्टल के सेल टार्टाइज के मुकाबले अधिक सुव्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी देना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को एक ड्रेपर के रूप में क्या करना, उपयोग करना। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है वही हमारा आंसर होगा। ये अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान माना जाएगा, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो एक ड्रेपर के रूप में उपयोग करना, ये बात राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल शस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कार के लिए किया जा सकता है, और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या चीज को सलामी देने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। 18 फरवरी 2021 को होने वाली सार्क स्वास्थ्य सचिव सत्र की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करने वाला है। जो भारत है वो 18 फरवरी 2021 को होने वाली सार्क स्वास्थ्य सचिव सत्र की बैठक की मेजबानी करेगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आविष्कार स्टेरोस्टेट क्या है? तो जो एक स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर है, ये जो एक्स स्टेरोस्टेट अपनी तरह के जो स्टेथोस्कोप यानी जो स्टेरलाइजर होते हैं उनमें से एक है, और जो स्टेथोस्कोप है वो भारत में अपनी तरह का क्या है, एक पहला है। तो स्टेथोस्कोप जो है उसको साफ करने की आवश्यकता क्यों है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से सही कारण का चुनाव करें। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि ये कई रोगियों के परीक्षण के कारण स्टेथोस्कोप पर हानिकारक नोसोकोमियल रोगजनक मौजूद होते हैं, और ऐसी संभावना है कि कोविड-19 वायरस स्टेथोस्कोप से फैल सकता है। तो ये दोनों ही क्या है, हमारी राइट बात है स्टेथोस्कोप के बारे में। देखिए, जो स्टेथोस्कोप है वो एक डायफ्राम को स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्रों में सैंपल देने पर पाया गया एक यहाँ वहाँ फैलने वाले जो नोसोकोमियल रोगजनक होते हैं उनके द्वारा दूषित है, और यही कारण है कि जो स्टेथोस्कोप है वो स्टरलाइजर की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा महामारी के समय जहाँ सब कुछ सैनिटाइज्ड और स्टेरिलाइज्ड किया जा रहा है, यह एक वरदान के रूप में आया है। जो स्टेरोस्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो स्टेरोस्टेट है उसमें सफाई और स्टेरिलाइजेशन के लिए अत्याधुनिक UVC GI प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर हमारा बी होगा। जो स्टेरोस्टेट है एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी रसायन या तरल पदार्थ का उपयोग किए बिना स्टेथोस्कोप डायफ्राम को प्रभावी ढंग से स्टेरिलाइज करता है, और इसमें अत्याधुनिक UV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थानिक डेटा निम्नलिखित के लिए प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें हमारा आंसर है पृथ्वी पर स्टैटिक स्थान, पृथ्वी पर गतिशील स्थान। तो इसमें हमारे दोनों ही क्या है, राइट आंसर है। यह डेटा उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में है जिनका पृथ्वी की सतह पर एक स्थान है, और स्थान जो है अल्पावधि या गतिशील दीर्घकालिक स्तर में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं? तो सरकार के पास मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोई भी डेटा नहीं है। इस बार राज्यसभा में जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की संख्या के बारे में एक सवाल उठाए जाने के बाद भारत की केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि उसने देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों की संख्या पर कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। नेक्स्ट है, भारत में मानचित्रण नीतियों में सुधार के संभावित कारण क्या है? तो इसमें आंसर है पिछले कुछ दशकों में नीति का नवीनीकरण नहीं किया गया है। लाइसेंस प्राप्त करने की इस प्रणाली में लाल टेप शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप परियोजनाओं में देरी हो रही है। तो दोनों ही हमारे आंसर क्या है इसमें, राइट है। यानी कि जो भारत सरकार है उसने मानचित्रण नीतियों में सुधार का निर्माण लिया है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से उनका जो नवीनीकरण नहीं किया गया है, और जो लाइसेंस प्राप्त करने से लाल फीताशाही में बढ़ोतरी और परियोजनाओं में देरी हुई है। नेक्स्ट है, चीन का पहला मंगल मिशन कौन सा विफल रहा था? तो ये जो है यंग हू फर्स्ट था, ये जो विफल हुआ था, जो यंग हू फर्स्ट मंगल मिशन चीन का पहला मिशन था जो तीन विन फर्स्ट से पहले था। नेक्स्ट है, शहरी सहकारी बैंकों अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत करने के लिए RBI समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसमें हमारा आंसर होगा जो NS विश्वनाथन है उनके द्वारा जो है ये इसका नेतृत्व किया जा रहा है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए जो RBI के डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए चुने गए नए अभियोजक का नाम क्या है? तो करीम खान, यानी ब्रिटेन के करीम खान को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के नए अभियोजक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ ललनडॉस सेटूट बांध के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान है। भारत और अफगानिस्तान ने इस साल 9 फरवरी को काबुल में ललन द्वार सेतूत बांध के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। विश्व रेडियो दिवस 2021 का थीम न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो था, और ये थीम महामारी के दौरान मीडिया रेडियो उद्योग में शामिल लोगों के काम को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था।
नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के महानिदेशक ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 67वें स्तर ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया। तो इसमें दोनों राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 फरवरी को अपने 67वें स्तर में विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया और यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के महानिदेशक ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कश्मीर का राज्य पशु चुने। तो हंगुल है, जो हंगुल है वो कश्मीर का राज्य पशु है। निम्नलिखित में से कश्मीरी स्टैग के बारे में सही कथन का चुनाव करें। इसमें हमारा आंसर होगा कि जो हंगुल है उसको गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यही हमारा आंसर है ए। जो कश्मीरी हिरण या हंगुल एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है और पुरुष द्वारा कश्मीरी स्टैग में 11-16 अंक होते हैं जबकि महिलाओं में इस सुविधा का अभाव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई युवा केंद्रों के चयन के लिए क्या मापदंड है। तो इसमें हमारा आंसर होगा एक समर्पित स्थान और तैयार बुनियादी ढांचा होना चाहिए, नए केंद्रों में नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में अनुभवी कर्मियों का होना आवश्यक है। जो ब्रिक ईवाईसी समिति निम्नलिखित मानदंडों पर नए केंद्रों का चयन करेगी और इसमें एक समर्पित स्थान और प्रासंगिक अवसंरचना होनी चाहिए जो इस्तेमाल करने के लिए तैयार होनी चाहिए, नवाचार और उद्यमशीलता कार्यक्रमों के संचालन में अनुभवी कर्मचारी होने चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78, यानी अनुच्छेद 78 उन कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। तो वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री रहे हैं क्योंकि उन्होंने 81 वर्ष की आयु में अपना पद ग्रहण कर लिया था। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इटली के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं मारियो द्रागी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्रागी ने 13 फरवरी 2021 को औपचारिक रूप से इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख का नाम किसे दिया जाएगा। तो इसमें नगोजी ओकोंजो इवेला उनको जो है इसका नाम दिया जाएगा। जो नाइजीरिया के नगोजी ओकोंजो इवेला है विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक होंगी और यही आपको बता दें कि वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला होंगी। नेक्स्ट है उस फोटोग्राफ का शीर्षक बताएं जिसे साल 2020 का पुरस्कार वन्यजीव फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने जीता था। तो उसका नाम है बुश फायर। 17 वर्षीय रॉबर्ट इरविन ने ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर की अपनी तस्वीर के लिए द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2020 के प्रतिष्ठित वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा भारत सरकार द्वारा किसानों को एक निश्चित मूल्य का भुगतान किया जाता है जब भी वे किसी विशेष फसल की खरीद करते हैं और यह बुआई के मौसम से पहले तय किया जाता है। इसमें दोनों ही हमारे क्या है राइट आंसर है। भारत सरकार है उसके द्वारा किसानों को एक निश्चित समर्थन मूल्य का जो भुगतान है वो किया जाता है जब भी वे किसी विशेष फसल की खरीद करते हैं। तो यह वास्तव में कृषि में उच्च निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बुआई के मौसम से पहले तय किया जाता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह कौन देता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि जो MSP चुनिंदा फसलों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सलाह पर आधारित है। जो COVID-19 के दौरान प्रस्तावित प्रतिरक्षा पासपोर्ट क्या संकेत देगा। जो पासपोर्ट धारक को टीका लगाया गया है यह COVID-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है, COVID-19 वायरस परीक्षण में यह नेगेटिव पाया गया है। तो इसमें सभी जो क्या है राइट आंसर है। जो COVID-19 है उसकी महामारी के बीच यात्रा प्रतिबंध के लिए डेनमार्क, चिली और यूनाइटेड किंगडम जैसे जो देश हैं उन्होंने लोगों को प्रतिरक्षा जो पासपोर्ट है या इसी तरह के जो प्रमाण पत्र हैं जारी करने पर घोषणा की है और ये जांच करेगा कि या तो कार्ड धारक को पहले से ही टीका लगाया हुआ है या फिर COVID-19 वायरस परीक्षण में वह नेगेटिव पाया गया है या फिर वह COVID-19 बीमारी से रिकवर हो चुका है।
नेक्स्ट है, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे नितिन गडकरी ने जो किया है लॉन्च किया है, जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी ने भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है और ये जो है ईंधन की लागत को कम करने में सक्षम होगा। भारत में विपक्ष के नेता के बारे में सही कथन चुने, वह सबसे बड़ी पार्टी का नेता है जो घर की कुल ताकत के 10वें हिस्से से कम नहीं। यह संसद अधिनियम 1973 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में परिभाषित एक संवैधानिक पद है। तो इसमें हमारे दोनों ही क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत में जो विपक्ष का नेता है सबसे बड़ा दल नेता होता है जो सदन की कुल ताकत के 10वें हिस्से से कम नहीं होता, और यह संसद अधिनियम 1973 में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों में परिभाषित एक संवैधानिक पद है। हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है, जो गुलाम नबी आजाद के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। जो विश्व रेडियो दिवस है हर साल 13 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। ई युवा योजना किसने शुरू की थी? तो ये जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने जो है शुरू की थी, और जो अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशन रिसर्च ईओआर योजना युवाओं को सशक्त करना जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। मेडागास्कर किस जल स्रोत में पाया जाता है? तो ये हिंद महासागर में पाया जाता है। जो मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक द्वीप देश है। हाल ही में किस राज्य ने ओलंपिक क्वालिफायर को तैयारी के रूप में INR 5 लाख प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये है हरियाणा। हरियाणा ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले को तैयारी करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्य प्रक्षेपण कौन सा है? तो ये जो है स्टार डस्ट 1.0, जो स्टारडस्ट 1.0 यूएस स्टेट मैने द्वारा पहला व्यावसायिक लॉन्च है और पूरी तरह से जैव ईंधन पर आधारित है, बायोफ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू शिफ्ट क्या है? तो ये जो है एक स्टार्टअप है, जो ब्लू शिफ्ट एक स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के लिए उबर बनना है, और ब्रंसविक आधारित स्टार्टअप ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस ने रविवार 31 जनवरी 2021 को अपना पहला रॉकेट प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे स्टारडस्ट 1.0 कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रीन फ्यूचर के बारे में सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें हमारा आंसर होगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अक्षय ऊर्जा पर आधा ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, और जो अक्षय ऊर्जा है और बैटरी जीवाश्म ईंधन के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसमें जो है दोनों हमारे राइट आंसर है। अगर इसकी व्याख्या की हम बात करें तो वर्ष में होने वाले सभी मुद्दों के बावजूद 2020 को ग्रीन फ्यूचर्स आगमन कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टारडस्ट रॉकेट 1.0 के बारे में सही कथन बताएं। यह 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। यह उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो स्टारडस्ट 1.0 है, रॉकेट 20 फीट लंबा रॉकेट है जिसका द्रव्यमान लगभग 250 किलोग्राम है, और ये उड़ान भरने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है और इसे बड़े रॉकेटों की तरह किसी भी उच्च तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है, और ये 8 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है, और पहले लॉन्च के दौरान यह 3 पेलोड लेकर गया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ध्रुवीय कक्षाओं के बारे में सही कथन का चुनाव करें। तो जो ध्रुवीय कक्षा है उसमें एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड की प्रत्येक परिक्रमा पर एक पूरे चक्कर में उसके दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है। जो भूमध्य रेखा है इसका झुकाव 90 डिग्री या इससे बहुत करीब होता है। तो इसमें दोनों ही हमारे क्या है, राइट आंसर है। जो ध्रुवीय कक्षा है उसमें एक कृत्रिम उपग्रह किसी पिंड की प्रत्येक परिक्रमा पर एक पूरे चक्कर में उसके दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है, और इसी कारण से भूमध्य रेखा से इसका झुकाव 90 डिग्री या फिर इससे बहुत अधिक होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका एमके किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये DRDO द्वारा। जो पिनाका एमके है मिसाइल है, उसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है। राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की
जो है जनगणना की है, तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है उसने वन विभाग ने हाल ही में राज्य के आसपास के 54 विभिन्न स्थानों में अपना पहली जल पक्षी जनगणना की है। नेक्स्ट है चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो ये 4 फरवरी 2021 को, जो चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना है उसके शताब्दी समारोह की शुरुआत 4 फरवरी 2021 में हुई, और जो चोरी चोरा की घटना है वो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के जो गोरखपुर जिला है उसके चोरी चोरा में घटित हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह जो है पुलिस के साथ भिड़ गया जिसने आग लगा दी थी। नेक्स्ट है लिम्फोफा क्या है, जो लिम्फोफा है वो है लसिका प्रणाली का कैंसर, यानी कि यह एक प्रकार का कैंसर है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में मौजूद संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं में शुरू होता है और जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं लिम्फ नोड्स, थाइमस, प्लीह इत्यादि शरीर के अन्य भागों में मौजूद होती है। जब कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है और वह खत्म होने की जगह फैलने लगती है तब क्या होता है, कैंसर होता है। 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर होगा HAL। जो 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें तेजस सेनानियों का जो विनिर्माण अनुबंध 3 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल को दिया गया है। ओके गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड डेली जो हम ऐसी वीडियोज अपलोड करते रहेंगे आप सभी की मदद के लिए, और आप जो है इसमें हमारा सहयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।